रेवाड़ी पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये शख्स कोई आम अपराधी नहीं बल्कि शातिर चोर है। जी हाँ, शातिर चोर, जिसने अहमदाबाद से चलकर दिल्ली जाने वाली आश्रम एक्सप्रेस के एसी कोच में सवार यात्रियों के डायमंड और गोल्ड के जेवरात सहित 190 यूएस डॉलर चोरी किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये शख्स रोहतक के शास्त्री नगर निवासी 40 वर्षीय नवीन कुमार है, जो सेना में करीब 13 साल अपनी सेवाएं दे चुका है, लेकिन अब नशे की लत के चलते चोरियों की वारदात को अंजाम देता है। 3/12/2021 को आश्रम एक्सप्रेस गाड़ी में दो चोरी की बड़ी वारदात होगी, जो एक चोरी एसी फर्स्ट क्लास की थी, जिसमें लैपटॉप वाला जो बैग और 24,000 नकद और सिद्धार्थ मुदई की आईडी थी। दूसरी चोरी उसकी एसी फोर की थी, उसमें दो कंगन सोने के, डायमंड के और नकद 12,800 रुपये और 190 यूएसए डॉलर थे। वे दोनों वो जो हैं यहाँ से गाड़ी में चले गए और गाड़ी में सूचना आरपीएफ के थ्रू मिली, जिसके संबंध में दो टीम तैयार की गई। ब्रजेश सब इंस्पेक्टर और दो आरपीएफ के जवानों के साथ और मिला और दो आरपीएफ के जवानों के साथ दो दो जवान हमारे लगाए गए, जो शाम को एक आदमी मुदई की शनाख्त पर पकड़ा, जिससे ये दोनों चोरी की वारदात बरामद होगी। उसका नाम नवीन कुमार सनोवेद आरवा, उस नंबर है 1401 शास्त्री नगर रोहतक का, उम्र 41 साल के करीब है, जिसने बतलाया कि मैं 13 साल मिलिट्री की नौकरी भी करके आया हूँ और जो टिट्टी हैं रेलगाड़ी में चलना है इनके साथ उठा बैठी करके और इनके साथ बातचीत करके मैं एसी डब्बे में घुसा था। वो अलवर से घुसा था और उसने बावड़ कर रेवाड़ी के बीच में दोनों चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जो टोटल पकड़े गए हैं, सारा सामान बरामद हो गया है। डर ये हैं, इनकी कीमत 2,30,000 रुपये थी और 24,000 नकद उसके, 2,54,000 कुछ रुपये इसके बरामद हुए। चोरी तो ये आदताना अपराधी है, पहले भी इसके 2-3 मुकदमे रोहतक में दर्ज हैं चोरी के। हाँ, शराब का आदि है और आदताना अपराधी है चोरी का। थाना प्रभारी रणबीर की माने तो पुलिस की टीम ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद उसे चोरी किए गए 190 डॉलर सहित 52,000 रुपए और जेवरात बरामद कर लिए हैं। घटना के संबंध में आरोपी के खिलाफ जीआरपी थाना में 2 FIR दर्ज करके उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी रोहतक की शास्त्री नगर कॉलोनी का रहने वाला है और लगभग 13 साल पहले सेना छोड़ चुका है। नशे की लत की वजह से उसने सेना छोड़ी थी, जिसके बाद उसकी पेंशन भी बनी हुई है। पेंशन राशि के बावजूद भी उसका खर्च नहीं चल रहा था, जिसके बाद उसने ट्रेनों में चोरी करने का ये सिलसिला प्रारंभ कर दिया। आरोपी नवीन अजमेर से चलकर चंडीगढ़ जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के एसी कोच से आरपीएफ कार्ड टीम ने बगैर टिकट के पकड़ा था। इसके बाद उसके पास से कोई सामान नहीं मिला था। रेलवे की तरफ से जुर्माना वसूलने वाले यात्रियों के नाम और उनकी फोटो अपने ग्रुप में शेयर की जाती है। आरोपी को जब शुक्रवार सुबह पकड़ा गया तो उसकी फोटो ग्रुप में मिल गई, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपी इस एसी कोच में चोरी के बहाने ही सवार होता था। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।